यह घटना 11 जून 1990 की है। अचानक देवराहा बाबा ने भक्तों को दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का व्यवहार बदल गया। यमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी। मचान पर बाबा त्रिभुवन सिंहासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर तैयार है। 19 जून को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधियां तूफान ले आई। यमुना जैसे समुन्दर को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। बाबा ने शरीर त्याग दिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह मथुरा में रहकर पवित्र यमुना तट पर 19 जून 1990 को वह इस धराधाम से सदा सदा के लिए चले गए। हम उस परम पुण्य आत्मा को हृदय से नमन करते हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं।